राइट, नौ नंबर, नौ नंबर मंगल का नंबर। नौ नंबर वाले लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज मंगल की एनर्जी लेके कैरी करते हैं। मंगल की एनर्जी क्या है? मंगल की एनर्जी साहस, निडरता, क्रोध, आक्रामक, मेहनती, ठीक, आत्मविश्वासी। प्लीज अपने माइक ऑफ रखेंगे प्लीज। आत्मविश्वासी, कंपैशन, कंप्लीशन, आइडियलिस्टिक, ह्यूमन, ह्यूमैनिटेरियन, मतलब में ह्यूमैनिटी है। मंगल, मंगल, मंगल की एनर्जी हनुमान जी जैसी एनर्जी, जो कि मेहनत से, मेहनत व शक्त से, परिश्रम से में डटे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं ये लोग। ये लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं होते, बट ये लोग सेंसिटिव बहुत होते हैं। ये लोग जल्दी से हार नहीं मानते, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है सुबह को और शाम तक, इनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी जलनी शुरू होती है। ये लोग जिस काम के पीछे पड़ जाए उस काम को पूरा करके छोड़ते, निर्णय तुरंत लेते, सोचने के बाद, काम के बाद सोचते हैं, काम हो गया जब, काम कर लेने के बाद सोचते हैं। इनको विरोध पसंद नहीं है, इनको विरोध कोई करे तो इनको, इनका खून खोलता है। ये लोग सीधे मुंह बात करना पसंद करते हैं, सीधा मुंह में बात करते हैं। इनका जो एटीट्यूड होता है, काम निपटाओ, काम को निपटाओ, कंप्लीशन सीकर, लेट्स कंप्लीट द जॉब, बी डू और डाई, लेट्स कंप्लीट इट, दैट्स नंबर नाइन। इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, बड़े क्रेजियस होते हैं, और परफेक्शन में इनको मजा आता है, बड़े थोड़े आर्गुमेंटेड ही होते हैं। रिस्क टेकिंग बहुत स्ट्रांग होते हैं, नौ नंबर आपका नंबर, रिस्क टेकिंग स्ट्रांग होते हैं। नौ नंबर फोर्सेस का नंबर है, जितने भी फोर्सेस है, जितने भी मेहनत मशक्कत के कारण है, नौ नंबर पे। नौ नंबर मेंटल बैलेंस का नंबर है, क्योंकि नौ नंबर में अग्नि है, फायर है। अगर मेंटली इंबैलेंस हो जाए तो अग्नि इंबैलेंस हो जाती है, मानसिकता बिगड़ जाती है। इंसान अपने दिमाग से अपने स्वयं को खो देता है। ये लोग बड़े स्ट्रगलिंग करते हैं, बहुत स्ट्रगलिंग होती है। इनको सक्सेस मेहनत से मिलती है, इनको सक्सेस इजीली नहीं आती जीवन में। दे आर गो गेटर्स और हर रिस्क के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, रिस्क से भागते नहीं है, हर रिस्क के अंदर अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये लोग कॉम्पिटिटर होते हैं, ये स्टैंड फ्रॉम द फ्रंट, पीछे से नहीं वार करते, सामने से वार करते हैं, ऐसे ही सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि वो भी सामने से बात करें, पीछे से बैक हट नहीं करते। नौ नंबर ह्यूमैनिटेरियन है, इसका ये मतलब कि दूसरों की भावना नहीं बोलूंगा यहां पे मैं, दूसरों की नीड को पहचानने की क्षमता रखते हैं, नीड को, भावनाएं नहीं बोलूंगा, भावनाएं बात अलग हो जाती है। ह्यूमैनिटेरियन का यहाँ पे मतलब ये कि ह्यूमन है, मतलब सामने वाले का दुख, दर्द, समस्या, उनको क्या सहायता दी जा सकती है, दुखी व्यक्ति को क्या हेल्प चाहिए उस समय में, हेल्प के लिए तैयार, हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड। नौ नंबर वाले डेयरिंग होते हैं, नौ नंबर वाले व्यक्ति जो वाइब्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है। ये लोग सिंपैथेटिक भी होते हैं, जेनरस होते हैं,
ये लोग माफ कर देते हैं, फॉरगिवनेस में अच्छी होती है नॉन नंबर वन। नॉन नंबर वाले लोग अगर नेगेटिव हो जाए, अगर इनमें नेगेटिविटी आ जाए, ये लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं, फिर नहीं किसी की नहीं सुनते। फिर आर्या पा इज अ दिस साइड और दैट साइड, देन दे डोंट केयर व्हाट अदर्स से। इनको गुस्सा दिलवाते तो शांत जल्दी होता है, लेकिन गुस्सा एकदम बहुत भड़क जाता है। इट्स लाइक ए आग बबूला, लाइक एन आग बबूला, बॉइलिंग वाटर, पानी की तरह उबाल आ जाता है। और पानी की तरह उबाल आने के बाद ये घातक हो जाते हैं, मारने मारने को तैयार हो जाते हैं, अपने को ही चोट पहुंचा लेते हैं कई बार। नौ नंबर वाले, नौ नंबर के अंदर तीन नंबर नौ आते हैं, एक नौ नंबर आता है, 18 आता है, 27 आता है। तो क्या फर्क है? नौ नंबर वाले जो होते हैं जिनका डिजिट नौ ही है, वो लोग बड़े अग्रेसिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने को परफॉर्म करने के लिए इनमें एबिलिटी होती है। और ये लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें आमतौर पर सक्सेस को प्राप्त करने की पूरी चेष्टा रखते हैं, और उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स की धारणा रख के काम करते हैं। ये 18 नंबर वाले लोग जो होते हैं थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लीडर होते हैं, और उनमें बिग ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की क्षमता होती है, स्किल्स होती है, पब्लिक डीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका नॉलेज अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, एंड क्लियर होते हैं अपने फोकस के प्रति, अपनी लाइफ के फोकस के प्रति क्लियर होते हैं, कंफ्यूज स्टेट में नहीं होते। जहां पे मैंने बोला नौ नंबर वाले, नौ नंबर वाले अग्रेसिव होते हैं, 18 नंबर वाले लोग जो होते हैं थोड़ा धीरज रखते हैं, वो बिल्डअप करने की चेष्टा रखते हैं, बिल्ड करते जाते हैं, वो नेटवर्क मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर होता है। ये 27 नंबर वाले जो होते हैं वो थोड़े डीप थिंकर होते हैं। 27 में क्या आया? 2 और 7, बात को अंडरस्टैंड करना। 2 किसका है? चंद्रमा का। और 7 किसका है? केतु का। तो दोनों ही इंट्यूटिव प्लैनेट फायर के साथ आता है। तो जो 27 नंबर वाला व्यक्ति होगा वो डीप थिंकर होगा, साथ में एग्रेसिव होगा। कैसे? कि अपनी सोच से हर काम को करने की चेष्टा रखता है और करने करता भी है। यह आमतौर पे लोग जो होते हैं 27 नंबर वाले 30 नंबर होते हैं। 27 नंबर वाले व्यक्तियों के जहन में कोई बात बैठ जाए तो उनको निकलवाना बड़ा मुश्किल है। मतलब इफ दे टेक अ थॉट ऑफ समथिंग बी नेगेटिव और पॉजिटिव, उनके मन से उस बात को निपटाना या हटाना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज ये लोग सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं, जल्दी से बात को छोड़ते नहीं, पकड़ के बैठ जाते हैं, एंड दिस इज द नेगेटिव पॉइंट फॉर देम, क्योंकि दे नॉट एबल टू डू लेट गो एटीट्यूड। लेट गो एटीट्यूड उनका डेवलप नहीं होता, लेकिन ये लोग हर चीज को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, बड़े माइन्यूटली एनालाइज करते हैं। 27 नंबर वाले, 9 नंबर होता है ये हमारे शरीर में खून का कारक, ब्लड है, ब्लड का कारक, जननेंद्रियों का कारक, गैस, तेजाब, सर्जरी, बवासीर, इन सब का कारक 9 नंबर कहलाता है। 9 नंबर में जो 18 नंबर है ना वो सहायक नंबर है। 18 में एक आता है लीडर सूर्य, 8 आता है शनि फोकस। तो लीडर जो होता है और फोकस अगर होता है तो दूसरे की सहायता करने से चुकता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल जनरेट करता है अगर ये पॉजिटिव है। बट अगर ये नेगेटिव है तो ये उतना ही घातक बन जाता है, क्योंकि ये आदमी में मतभेद इतने पैदा होते हैं कि कहीं पर भी फिट नहीं हो पाता। ये इट्स अ परफेक्ट इनफिट पर्सन, परफेक्ट इनफिट या नॉन फिट पर्सन। 18 नंबर
में एक और आठ आता है, पेपर आपने पढ़ा होगा एक और आठ का योग, ठीक है, शनि सूर्य का योग। बट यहाँ मैं बताता हूँ 18 नंबर शनि सूर्य आता है, लेकिन 18 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है लीडरशिप के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिग लीडरशिप के लिए। एक नंबर सूर्य की वो गरिमा देता है, 8 नंबर शनि का वो फोकस और डिसिप्लिन देता है। दोनों मिलके बिल्डअप करते हैं तो बड़ा नेटवर्क, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। लेकिन ये घातक है तो परफेक्टली इनफिट होता है, लोगों के साथ अपना व्यवहार नहीं बिठा पाता, इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है व्यवहार। यहाँ पे होते हैं हमारे नंबर्स खत्म। अब